वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो सिंगना टीवी। सिंगना टीवी तुहाडी अपनी आवाज़, कौम दी आवाज़। मिशन स्टेटमेंट है, पै काहू को देत ने नै पै मान आन। ना किसी को डरना ते ना ही किसी को डरावना, केवल ते केवल एक अकाल पुरख अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा नू अते उन्हां दी बाणी नू प्रचार प्रसार वास्ते तत्पर रहना। जिवें कि तुसी सारे जानते ही हैं कि असी वीरवार दे प्रोग्राम दे विच गुरबाणी संगीत, गुरबाणी कीर्तन जां गुरमुख संगीत कह लो, जिहड़े लफ्ज़ साडे कीर्तन लई वरते जांदे ने, उन्हां दे बाबत असी कुछ हफ्तियां तों स्लाइड शो कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते साडे स्किप भी रहे ने, उन्हां लई माफ़ी चाहुंदे हां। असी गुरबाणी कीर्तन दे भाव जिहड़े ने, गुरु काल तो गुरबाणी दा कीर्तन जिहड़ा हुंदा रहा, वो कीर्तन दी की मर्यादा रही है, क्योंकि परंपरा लफ्ज़ मैं इस करके नहीं वरत रहा कि परंपरा जिहड़ी हुंदी आ उहदे उहनूं फेर बदल करना बड़ा सौखा, तो परंपरा नवीं चलाउणी भी बड़ी सौखी हुंदी। जिहड़ा एक प्रोटोकॉल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मौजूद है लिखती रूप विच, उहदे बारे असीं सारी गल कीती हुई आ। साडे पिछले तीन भाग तुसीं सुन सकदे हो, उहनां विच असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आए रागां दे नाम जिहड़े ने उहनां बारे चर्चा कर चुके हाँ, अते गुरबाणी कीर्तन स्टाइल जिहड़ा साडा है, जिहड़ा गुरु ने बख्शिया है, गुरु काल वेले किद्दां कीर्तन हुंदा रिहा, उहदे ते लंबी चौड़ी डिस्कस हो चुकी है उहनां तिन्नां प्रोग्राम दे विच। अज असीं चौथे भाग विच स्लाइड शो लैके आप जी के सामने हाजिर हाँ, जिस विच असीं इस लड़ी तो शुरू करन जा रहे हैं गुरमत संगीत दे जिहड़े साज ने, गुरबाणी कीर्तन दे विच जिहड़े गुरु काल तो साज जिहड़े इंस्ट्रूमेंट वरते जाते हैं, जिहड़े टूल वरते जाते हैं म्यूजिक देन लई, बैकग्राउंड म्यूजिक लई, जिहड़े रागां दे भाव नू म्यूजिकली स्पष्ट करते हैं, जिहड़े साडे कीर्तन दे विच एक मनमोहक साउंड वेव्स बनाउंदे आ, जिहड़े माहौल पैदा करदे आ, राग नू शकल दिंदे आ, गुरबाणी कीर्तन करन वाले दी सुरती नू होर भी गहराई दे विच लैके जाते आ। उन्हां साजां दे नाम अते उन्हां नामां दे उपर असी जिहड़ी है वह डिस्कस करांगे कि किस साज दा नाम की है अते उहदा नाम एक किद्दां रख्या गया, ते उस नाम दे अर्थ की बनते हैं अते उस साज दा पूरा स्ट्रक्चर किद्दां दा आ। उस तो पहला असी अज दा जिहड़ा स्लाइड शो आ इहदे बारे असी थोड़ी जी चर्चा इस करके करनी है क्योंकि थोड़ा जिहा बैकग्राउंड विच जाना वधिया रहिंदा आ कि गल होर चंगे तरीके नाल स्पष्ट हो जाए कि असी कहना की चाहते। सो शुरू करते हैं जी अज दा स्लाइड शो साडा जिहड़ा है वह गुरबाणी कीर्तन भाग चौथा। तुहाडी स्क्रीन दे उपर आ गया जी वख-वख दुनिया दे विच जिहड़े साज वजाए जांदे आ, तुसीं देख रहे हो हर सभ्यता दा अपना अपना एक साज है। ये साज क्यों इदां दे आ, सारे साज जे साज ने साउंड ही देना है। इस स्लाइड तो सानूं एक सवाल मन विच वड्डा पैदा हुंदा जिहड़ा मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा कि जे साज जिहड़ा आ उहने साउंड ही पैदा करना, जां साज दे उत्ते सारे गावां पादा नी सा ते सानी दा पा मांगा रे सा, ये पूरी दुनिया दे विच सेम ही है। पहले प्रोग्रामां च असीं बड़ी खुल के गल कीती है, तां फिर साजां दीआं शकलां क्यों चेंज है ते की जिहड़ा साउंड है वह चेंज हुंदा, ये वड्डे सवाल ने। सो पहला सवाल यह है, हर सभ्यता दे लोकां ने अपनी बोली, जिस बोली विच उह गल करदे आ, जिस टोन दे विच उह गल करदे आ, उस टोन नूं जिस तरीके नाल साउंड नूं समझदे आ, उह साउंड दे आधार ते जिद्दां गाउंदे आ, जिद्दां दे उहनां दे गाउण दे विच लफ्ज़ ने, जिस तरह फ्रांसीसी लोक ने तां फ्रांसीसी भाषा विच उह गाणा गाउणगे, जे इटालियन आ इटालियन दे विच उह अपना कोई गीत गाउणगे, जे उह हिब्रू दे विच गाउंदे आ, जो पंजाबी च गाउंदे आ, मलयालम च गाउंदे आ, बंगाली च गाउंदे आ, तां उहनां दी भाषा दे लफ्ज़ चेंज होण नाल जिहड़ा साउंड है वह चेंज होंदा।
सो तुसी देखोगे जिन्नी सोहनी हिंदी एक हिंदी खेतर दे विच पैदा होने वाला बंदा बोलता वा उन्नी सोहनी हिंदी पंजाबी नहीं बोलेगा। पंजाबी जदों हिंदी बोलेगा तो उहदी हिंदी दे विच पंजाबी एक्सेंट साफ साफ झलकदा, तो उहतों पता लग जाता कि बंदा पंजाबी है पर बोल हिंदी रहा। इसे तरह ही साज के साज जे दक्षिणी अफ्रीका दे विच बनिया होया तां अफ्रीकन लोगों की वॉइस नूं रीप्रजेंट करता है, तो वो जे पंजाब दे विच कोई गाना अफ्रीका दे किसी साज नाल गाओगे तुसीं तां वो वक्रा वक्रा साफ दिखाई देगा कि साज किसी होर सभ्यता का है अते गाना उहदे ते किसी होर सभ्यता का गाया जा रहा है। तुसीं देख लो गिटार है जिहड़ी वो गोरे का साज है, उहदे ते जैज पॉप म्यूजिक गाउण वास्ते उहनूं वरतदा है यूज करता है। तो जदों साडे लोग धार्मिक की कीर्तन भी करना हुंदा, कई वारी साढ़े दो चार बच्चे काफ़ी फेमस ने वो कीर्तन करते हैं गिटार के नाल, तो जदों वो कीर्तन करते हैं तो साफ साफ झलक आउंदी है कि कोई अंग्रेज कीर्तन कर रहा है। सो अगली जिहड़ी साडी स्लाइड है इहदे विच हड़प्पा सभ्यता ते मोहनजोदड़ो जिहड़ा आ उन्होंने वेले उन्हां दीआं कंधां दे उत्ते जिहड़े चित्र देखे गए जिहड़े साज देखे गए वो इस तरह के सी। कुछ तुहानूं कुछ साजां की शक्ल समझ आएगी, कुछ तुहाडे बिल्कुल जिहड़ी समझ नहीं आएगा। जिहड़े नीचे जिहड़े गिटार तो नीचे वाले जिहड़े चार साज ने जिहड़े सेम चार ने वो बेसिकली पिक्चर दे विच तुहानूं इदां दिखाई दे रहा, पर वो जिस तरह असीं ढोल वजाउने आ जां असीं ढोलकी वजाउने आ वो इदां दा यूज करन वाला साज है। जिहड़े बिल्कुल नीचे दो साज ने जिहड़े ग्राउंड दे उत्ते लम्मे पए हुए आ जिस तरह फट्टा हुंदा, ये सारा जिहड़ा ये बांस दीआं पतलियां मोटियां छिलतरां जिहड़ियां सन मतलब उहनूं छिल के बांस नूं तां वो उहनां नूं उस तरह दा एक पियानो टाइप दा साज जिहड़ा सी वो बनाया जांदा सी। सो ये जदों तों मनुख ने म्यूजिक नूं समझणा शुरू कीता उसे वेले तों ही उहदे अंदर ये साजा की शक्ल बननी शुरू हुई। इत्थे मैं एक चीज़ होर भी क्लीयर कर देना, कुछ लोग ये गल कहिंदे सन कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों असीं लफ्ज़ वरते ना रबाब डिजाइन की आप, तो कई बार कहणगे नहीं जी वो भाई फरंदा जी ने रबाब भेट की सी गुरु नानक साहब जी नूं, उहनां सचखंड चों सिद्धी आई सी ते जदों आई तां वो उहदे उपर जदों तुणका वजदा सी तां वो तार दे विचों एक ओंकार की आवाज़ आउंदी सी। ये साडे च आम प्रचलित धारणा जिहड़ी साखी सुनाई जांदी है। तां भाई फरंदा जी ने उहनूं साइड ते रख दिता, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई वक्रा ही साज है भी ये जिदे ये वजदा है तो एक ओंकार की आवाज होती, तो बड़ा मतलब एक उलझाउण जे वाला सवाल हैगा कि एक ओंकार की धुनी तो गुरु नानक साहब जी ने तैयार की है, तो बड़ी साखीकार आपस के उलझे हुए हैं। सो इदां दा कुछ नहीं है, गुरु नानक साहब जी ने अपने गुरबाणी कीर्तन दे गायन सामने रख के अपने हिसाब का साज डिजाइन करवाया। अज भी असी कीर्तन करते हैं जे मैनू लगे कि रबाब जिहड़ी है वो मेरे वास्ते थोड़ी जी डिफिकल्ट हो रही है तो मैं थोड़ी जी यदि अपने तरीके नाल जिदा की मेरी बॉडी शेप है मैं अपने तरीके नाल उन्हों उस तरह का बना लेवा, तो मैं कुछ चेंजिंग भी करा सकदा उहदे विच कि भाई इहनूं थोड़ा जा छोटी कर दे इहनूं थोड़ी जी वड्डी कर दे इहदे च आह दो तारा ना पा आह दो तारा कढ दे आ, इस तरह बहुत कुछ हो सकता, अमेंडमेंट भी हो सकती, तो उहदे विच कुछ लैस भी किया जा सकता तुहाडी सहूलत मुताबिक। इसे तरह ही गुरु नानक साहब जी ने डिजाइन किया। इस गल की मैं तां करके स्लाइड शो दिते है कि हरेक सभ्यता का मनुख अपने संगीत नूं जिस तरह समझदा सी जां जिस तरह उहनूं आवाज़ आउंदी सी वो उसे तरह ही अपने साज़ नूं डिजाइन कर दिंदा सी। इसे करके तुहानूं दुनिया भर के विच जिन्ने भी देश ने जिन्नियां सभ्यतावां ने जिन्ने भी लोग संगीत नाल जुड़िया उहनां दे सारे साजां दी शक्ल अलग अलग दिखाई देगी। अगले स्लाइड ते चलते हैं जी असीं। सो जिहड़ा साज की शक्ल है वह निर्धारित करती है कि तुसीं किस खेत्र विच रहिंदे हो। ये सारे साज मैं इस करके लाए कि तुसीं इहनूं चंगी तरह देख लो, पुरातन जंगल विच जिहड़े मनुख रहिंदे सन उहनां दे साज ने।
जी नेक्स्ट स्लाइड देखो, 2 साज जिहड़े वो मैं तुहाडे सामने कर रहा कि एक साइड ते है रबाब, रबाब ये अफगानी रबाब है, ये जिहड़ी अपनी लैफ्ट साइड ते पड़ी हुई है, कपड़िया दे नाल पड़ी हुई है, वो रबाब जिहड़ी है वो अफगानी रबाब है। अफगानी रबाब के दूसरी साइड जिहड़ी एक गोरे ने साज फड़िया होया, इहदे विच उहने 3 साजां दा 4 साजां दा मिक्सचर किया, 4 साजां नूं मिक्स करके अपने हिसाब नाल एक साज बनाया उन्हें। हुण जिहड़ा अरब कंट्रियां दे विच जिहड़ा साज यूज हुंदा उहदी शक्ल लैके गिटार नूं बेस बनाया, सामने उन्हें उपरों अफगानी रबाब बना दित्ती, अते तारां जिहड़ियां ने वो उन्हें जिहड़ियां असीं ताउस नूं जां कई वारी असीं तार शहनाई नूं जां इसराज नूं पाउने आ, उस तरीके दियां तरबां उन्हें पा के ते उन्हें अपने एक शक्ल दा साज जिहड़ा वो तैयार कर लिया। ये साज जिहड़ा ना तां पुरातन है ते ना ही कोई किसी का स्थानक है, ये अपनी इनवेंशन है इस गोरे की, उन्हें अपनी खोज के आधार पर यह साज बनाया, उन्होंने जिस तरह ठीक लग रहा कि मैनू इदा का साउंड चाहिए। जी नैक्सट स्लाइड पर चलते हैं। ये सारे साज जिहड़े ये पुरातन साज ने, जिदा जिदा अगे अगे मनुख का विकास होंदा गया ते उस तरह ही वह साज नूं घटदा गया, उहदी शक्ल बनाउंदा गया, उन्हूं किदां दा साउंड चाहीदा। एक आ देखो ये चाइना का जिहड़े ओल्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, इत्थे तुसीं देखोगे जिहड़ा संख है जिहड़ा समुंदर दे विचों निकलदा है संख जिहड़ा है वह म्यूजिक दे विच साउंड पैदा करन लई वरत्या जांदा। दूसरे नंबर ते देखो किस तरह का साज है, अजकल गोरे जिहड़े हार्प वजाउंदे आ, हार्प जिहड़ा आ वह शायद इस पुरातन साज की शक्ल होवे, एक जिहड़ा असीं बैठ के वजाउंदे आ वह ड्रम की शक्ल का, वह भी पुरातन मौजूद है। वायलन देखो तुसीं, एक लक्कड़ दे विचों वायलन जिहड़ी सी पहला कढ़ी गई, हो सकदा इहनूं रख के वजाउंदे होण जां इह इहदा वजाउण दा तरीका होवे, तुसीं पहलां जिहड़ी वायलन सी उह हुण तां बड़ी हल्की सारी अद्धा किलो दी होएगी, 500 ग्राम दी होएगी, इन्नी हल्की बना दित्ती। ते पंजवां साज जिहड़ा तुसीं देख रहे हो वह चाइना का साज है, ये साज नूं उन्होंने अपनी सभ्यता के मुताबिक ड्रैगन बना के उहदे उपर तारां बनाईआं गईआं ते वो उस नूं वजाउण दा जिहड़ा चाइना दे विच तुसीं देखोगे, चाइना दे लोग जिद्दां बोलदे आ उदां दे ही उन्हां दे साज बोलदे आ। उस तों बाद लास्ट जिहड़ा साज हैगा वो असीं बंसरी यूज करते हैं, फ्ल्यूट यूज करते हैं, उन्होंने जानवर के सिंग तो वो अंदर होल करके उन्होंने पाइप टाइप बना के उन्होंने साउंड वास्ते वरतना शुरू कर दिता। ये अगे जाके गल क्लीयर होएगी कि असी इन इंस्ट्रूमेंट्स बारे क्यों गल कर रहे हैं। जी नैक्सट स्लाइड पर चलते हैं। अगे आ गए जी साढ़े जिहड़े अज दे असी साज देखते हाँ कि साउंड जिहड़ा बैंड पाइप वास्ते वरत्या जाता, तबला आ गया, हारमोनीयम आ गया, उहदे विच वीणा पई हुई है, सितार है, घड़ा है, ये सारे ढोलकी है, ये सारे साज जिहड़े अज दे जिवें जिवें पुराणिया साजां नूं नवीं चीज़ रूप दे दे के उहनूं अगे उहदे ते कम करके उहनूं होर सोहणा बना के पेश कीता गया। जी अगली स्लाइड ते चलते हैं। ये देखो जी 2 साज ने, मैं इधर वाला लैफ्ट साइड ते जिहड़े वायलन दे कोल गोरे खड़े हुए आ, ये बहुत वड्डे आकार दी किसी शहर दे विच, वो टाउन दा शायद नाम भी नीचे लिखा हुआ, उत्थे टाउन दे विच इन्हां ने इस नूं एक प्रदर्शनी दे तौर ते जां म्यूजिक दी याद दे तौर दे उत्ते उन्होंने अपने शहर च लाया, तां कि ये पता लगे कि इस शहर के जिहड़े लोग ने वो म्यूजिक पसंद लोग ने, वायलन नूं उन्होंने इस तरह रिप्रजेंट किया। साढ़े भी टारगेट सी कि इस तरह रबाब वड्डे आकार की जिहड़ी आ करतारपुर साहब लगाई जाए, उत्थे तां उन्होंने मॉडल दे विच नानकशाही रबाब एक छोटी आकार की लाई है, पर वड्डे आकार की रबाब जिहड़ी सी उह 550 साल ते श्रोमणी कमेटी ने इत्थे यूज करनी सी,
कि उस वास्ते अजे तक कोई भी जिहड़ा वो उपराला नहीं हो सकिया। इस तरह दूसरा जिहड़ा साज तुसी देख रहे हो जिहड़ा हरमोनीयम दी शक्ल दा तुहानू दिस रहा जी, वो साज नू चर्च पियानो कहिंदे ने, जिस तो हरमोनीयम दी अगे हौली हौली हैंड हरमोनीयम जिहड़ा सी वह हौली हौली अगे चल के आया। सो गुरबाणी कीर्तन दे विच जिहड़ी साजां दी महानता, गुरबाणी कीर्तन लई वरते जांदे साज जिहड़े ने वह गुरु साहिबानां वल्लों खुद बनाए गए। वो क्यों बनाए गए गुरु साहिबानां वल्लों, उहदे वास्ते ये जिहड़ा सवाल है बड़ा पेचीदा सवाल, इसे करके मैं पहला साज दिखा दिते कि हरेक बंदे नूं अपनी सभ्यता दे हिसाब नाल साज नूं डिजाइन करन दी आजादी है, अते जिस भाषा विच गाउंदा वजाउंदा है उस भाषा दे मुताबक ही वो अपने साज दी साउंड तैयार करदा है, उहनूं किहड़ी तार पैणी है, किद्दां दा वो उहदी शकल होनी चाहीदी। सो गुरबाणी कीर्तन दे विच असी बड़े इस गल ते बड़े कुरबान हाँ गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी उस सोच दे उपर कि सच्चे पातशाह ने अपने कीर्तन करन लई जिहड़ी रबाब तैयार करवाई वह खुद भाई फरंदा जी नूं उन्होंने कह के डिजाइन करवाई किसन किद्दां दी रबाब चाहीदी है, फिर भाई मरदाना जी नूं बकायदा भाई फरंदा जी दी मेहनत जिन्ने पैसे उहदे उपर साज दे लगे हुए उहदी मेहनत दे के वह साज लियाउण लई कहा। वह वक्री गल है कि भाई फरंदा जी ने वह साज बिना किसी भेटा लै तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं अर्पण की, गुरु नानक साहब जी उस रबाब दे नाल जिहड़ा कीर्तन करते रहे। हुण क्यों लोड़ पई इहदा, इस स्लाइड दे नाल बड़ा वड्डा संबंध है। शरीरक गुलामी होंदी है जिहड़ी अज भी होंदी है, अज उहदा तरीका बदल गया पर शरीरक गुलामी होंदी जरूर है। सतगुरु का शब्द है आसा की वार विच शूद्र शब्दन प्राकृत है, नीवे बंदे नूं मजलूम बंदे नूं अपना गुलाम बनाउणा, अपने थले रख के उहदे कोलों काम करवाउणा, उस बंदे कोलों काम करवा के ते अपनी अपना ढिड भरना, यह शरीरक गुलामी सी। सतगुरु ने सानूं इहतों आजाद करवाया, उन्होंने कहा कोई शूद्र नहीं है, कोई जात पात नहीं, सिखिज़म दे विच कोई नीवा नहीं कोई उच्चा नहीं, तो जे कोई किसी नूं नीवा कहेगा तो अपने आप नूं उच्चा कहेगा तो सतगुरु कहिंदे ने कि मेरी दोस्ती फिर नीव्या नाल है। अपनी बाणी विच कहिंदे नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। तो सानू गुरु ने शरीरक गुलामी तो आजाद किया, तुसी किसी दे गुलाम नहीं है, तुहानू सरदार बनाया है, ते इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई जी। अगली स्लाइड ते चलते, एक है शरीरक गुलामी, उस तो बाद आउंदी है खाण पीण की गुलामी, कि ब्राह्मण जदों जांदा सी राज दरबारां दे विच ते वह अपने आप नूं कहिंदा तां धार्मिक सी पर खाण पीण दे विच वह गुलाम सी, कि जदों वी दरबारां विच जांदा सी ते भाख्या का कुठा बकरा खाणा ते जदों वापस आउणा अपने घर ते कहना चौंके उपर किसे ना जाण, फिर देके चौंका कढ़ी कार, फिर कार कढ़नी चौंके दे उपर कि मेरे चौंके उपर कोई नीच जां नीवी जाति दा कोई आ ना जावे। तां पर शरीरक गुलामी दे नाल नाल उह खाण पीण दी गुलामी वी हंडाउंदा सी कि जे राज दरबार विच आउणा आ तां तैनूं साडा कुठा जिहड़ा बकरा आ जां कुठा हलाल मास है वह तैनूं छकणा पएगा, फिर असीं मन्नांगे कि तूं मुगलिया सल्तनत जां तुर्की सल्तनत का वफादार है, तो यह गुलामी की निशानी सी जी। अगली स्लाइड से चलते हैं, अगे आउंदी है जी पहरावे की गुलामी, जो असी कहांगे वह पाउणा है, जो असी नीयत करांगे वह पाउणा है, यह गुलामी सी पहरावे की गुलामी। नील वस्त्र पहरो मैं प्रवान, जे नीले वस्त्र पा के तू दरबार जावेगा फिर प्रवान होएगा,
नील वस्त्र पहरो वै प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण। ये ही आता भाख्या कि पुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे न जाना। यह आसा की वार दे विच पावन बचन सतगुरु दे। सतगुरु ने कहा मेरा सिख आजाद है, दस्तार सजाएगा, कलगी भी ला सकता है। जे कोई राजा उन्होंने कहे कि कोई कलगी नहीं ला सकता, मेरा सिख कलगी भी सजाएगा, फिर वह अपने तरीके का पहरावा पा सकता है, कोई उन्होंने रोक नहीं है। तो ये गुलामी तो भी सतगुरु ने सानू आजाद करवाया। जी अगली स्लाइड से चलते हैं। उस तो बाद बोली की गुलामी आई के नीचे ओल्ड डाक्यूमेंट है, तुसी पढ़ सकते हैं, प्रोसेसिव परशियन लैंग्वेज इन मुगल इंडिया। जो मुगल इंडिया के सन वो कहें कि परशियन ही बोल सकते हैं तुसी। तो सतगुरु ने बाणी में यह प्रमाण दिता है कि बोली की गुलामी करनी पैंदी सी उन्होंने। घर घर मियाँ मियाँ जी होंगी सी, सबना जिया बोली अवर तुम्हारी, उन्हों की बोली बोलनी पैंती सी कि साड़ी भाषा उच्ची है तुहाड़ी नीवी है। इस तरह ही देव भाषा जिहड़ी है वह पंजाबी दे उपर चढ़ा के कहा गया कि जिहड़ी पंजाबी है ये शूद्रां दी भाषा है, ये जिहड़ी संस्कृत है ये देव भाषा है। तो इस तरह सतगुरु ने एक गुरमुखी भाषा का इजाद किया। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने लिखती रूप दे विच फॉन्ट दे विच एक प्रॉपर सानू फॉन्ट दिता कि आडा फॉन्ट है पंजाबी का, जिदे विच तुसी ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा लिखना है, वो तुहाड़ा फॉन्ट है। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भगतां दी बाणी, इसे करके बाबा कबीर साहब जी की तुहानू बावन अखरी, बाबा फरीद साहब की बाणी पंजाबी दे विच, भगतां दी सारी बाणी पंजाबी दे विच दे नाल रिलेटड मिलेगी। तो सतगुरु ने वह अंकित की इसे करके क्योंकि वह भी भगत लहर दे दरिया दरम्यान वह बोली नू विसारना नहीं चाहते, उसकी सपोर्ट करते सन। जी नैक्सट लाइव असी बोली दे आधारित भी गुलाम सतगुरु ने सानू बोली दिती। तो उस तो बाद संगीत साज राग धुना कवितावां ये सब गुलाम सन। ये जो राजे नू पसंद हुंदा सी उही दरबार च गाया जांदा सी। जेकर दूजा कोई गाएगा तां उहदा सिर कलम कर दिओ, कोई किसी के दरबार च नहीं। जे कोई चंगा गाँवदा आ तां उहनू पैसे दे के तानसेन वर्गे गायक सोने दीआं मोहरां नाल खरीद के अपने दरबार च रख ले जांदे आ। पर तानसेन दा गुरु हरिदास जी जिहड़े बाबा मरदाना जी दे शागिर्द ने, वह साफ मना करते हैं क्योंकि बाबा मरदाना जी ने गुरु नानक साहब जी को एक ही गल सीखी सी कि मनुख की गुलामी नहीं करनी, दरबार में किसी राजे की खुशामद नहीं करनी, गाना समर्पण केवल तो केवल अकाल पुरख में। एक वो अंकार संगीत सी वह भी गुलाम सी, साज गुलाम सन, राग इन्हों के सारे वह भी गुलाम सन, धुना तो इन्हों गुलाम सन, इतों तक कि जिहड़ियां धुना गाइया जांदियां सन वह भी गुलाम सन। कवितावां वह तो लिखी ही राजे नूं खुश करन वास्ते जांदियां सन। तां सतगुरु ने इन्हां दे बराबर फिर एक दरबार लाया, एक बराबर दरबार खड़ा किया। इसे करके असीं कहिंदे आ साडी हथ बन्न बेनती है हरिमंदर साहब ना क्या करो, श्री दरबार साहब अमृतसर कहण नाल साडा माण नाल सिर वी उच्चा हुंदा। श्री दरबार साहब उत्थे एक दरबार लाया गया, उस दरबार के अंदर अकाल पुरख दियां कवितावां गाईआं गईआं, उस अकाल पुरख की बाणी गाई गई, केवल तो केवल अकाल पुरख नूं समर्पित सी। वह राजा के दरबार के बराबर दरबार खड़ा करके उत्थे उन्हां लोकां नूं सतगुरु जी ने गायन गायन करन दी जां कीर्तन करन दी आग्या दित्ती सतगुरु जी ने, जिन्हां नूं कहिंदे सन कि ये साडे चुल्हे नहीं जड़ सकदे, उन्होंने नीवे समझते सन, सतगुरु ने उन्होंने राज दिता। बाबा मरदाना जी दियां सारियां पीढ़ियां श्री दरबार साहब अमृतसर कीर्तन करदियां रहियां। जी अगली स्लाइड ते चलते हैं। सो साडी जिहड़ी जिहड़ी स्टेज सी उह सी सच्यार मनुख की घाड़त करदी। तां सतगुरु ने सब तो पहला शरीरक गुलामी चक्की, उस तो बाद साड़ी बोली की गुलामी चक्की। तुहाडी बोली आजाद है, तुहाडा शरीर आजाद है, तुहाडा पहरावा आजाद है, तुहाडा खाना पीना आजाद है, तुहाडा संगीत आजाद है,
आजादी नाल धार्मिकता दे नाल तुसी अकाल पुरख की पूजा कर सकते हो, अकाल पुरख की बंदगी कर सकते हो, तुसी आजाद हो, तुहानू किसी को विचोले को पुछण की लोड़ नहीं, असी कित्थे जाइए। ये सच्यार मनुख की जो घाड़त घड़ी तो उहदे वास्ते जिन्ना टूल्स की लोड़ पई, जिहड़े साजां की लोड़ पई, हुण जे सब कुछ गुलामी चक दित्ती गई सी, सारे पासों मनुख नूं आजाद कर दिता गया सी, तां फिर साज जिहड़े सी उह किद्दां असी गुलाम वरत सकदे सां। जे सब कुछ आजाद हो गया सी ते फिर साज भी आजाद होने चाहीदे सी। इस दी मुख लोड़ नूं समझदिआं होइआं सतगुरु जी ने पहली बार दुनिया दे विच नानकशाही रबाब कह लो, गुरमुखी रबाब कह लो, फरंदिया रबाब कह लो, जां कोई भी तुसीं कह सकदे आ वो रबाब नूं पंजाबी रबाब कह लो, उस रबाब की जिहड़ी घाड़त है वह घड़ के गरीब नवाज जी ने सानू उहदे उपर कीर्तन करन दी जाच सिखाई। मरदाना जी नूं कहना मरदाने रबाब जा पाणी आई है, उन्होंने रबाब प्ले करनी। फिर उस तो बाद रजादा जी सजादा जी उन्होंने बेटे जिहड़े ने वह गुरु अंगद साहब जी के दरबार से गुरु अमरदास साहब जी के दरबार में कीर्तन करते रहे। सता जी बलवंड जी आ गए छोटी उम्र में। सो सतगुरु जी ने गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने फिर अपने हथी सरंदा बनवाया। फिर उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने ढड ते सरंगी वो संगीत दे विच ऐड की, उन्हों लिया बारह गायन करने वास्ते। इस तरह ताउस दिलरुबा ये सारे जोड़ी ये सारे ऐड होंदे गए गुरु ने अपने कीर्तन विच वरतन लई। जिहड़े साज ने उन्हां साजां नूं सतगुरु जी ने आप खुद डिजाइन करके तैयार किया। सो इत्थे साडे अज दा जिहड़ा विचार सी साडी स्लाइड शो इहदा मकसद ये सी कि जिहड़े गुरु साहिबानां ने साज तैयार किए वो साज सानू आजादी का एहसास कराउंदे आ। वो साज जदों साडे हाथ फड़े होणगे असीं उन्हां साजां नाल जदों गावांगे तां सानू आजादी फील होए, दूजा प्राउड फील होएगा ये साडे गुरु ने सानू दित्ते आ, असीं सीधे तौर ते अपने गुरु नाल जुड़दे आ। तुसीं एक चीज़ देखो किड्डी कमाल दी है कि जदों पिंडां दे विच गड्डियां लै के कदी खंडा लै के घूमदे आ, कदी दो चार कृपाना लै के विच टंग के ते वो माया कट्ठी करदे फिरदे पिंडां दे विच, जदों कोई भी इन्हां नूं कोई पुरातन चीज़ लभदी है, कोई गड़वा लभ गया, कदी कोई आ गया, वो लभदा है, वो सब कुछ लै के पिंडां दे विच घूम बड़ी छेती पिंडां दे विच नगर कीर्तन लै के घूमदे आए। तुसीं मैनूं अज तक एक नगर कीर्तन ऐसा दिखा दिओ जिथे इन्होंने कहा होवे कि असीं गुरु दे साजां दे प्रचार वास्ते, ताकि जिहड़े साज गोरे ने बड़ी साजिश अधीन दरबार साहब दे विचों चुकवा के ते उत्थे अंग्रेजी साज रखवाया, जदों प्री प्लैन असीं उहदे ते कदी भी इदां दी एकता नहीं कीती, इदां दी जागरूकता नहीं लिआंदी कि असीं अपने बच्चों नूं दसीए कि तुहाडा गुरु खुद जिहड़े साज प्ले करदा रहा, गुरु ने बना के नहीं दिता, गुरु ने तुहानू कीर्तन करके दिखाया, गुरु ने उन्हां साजां नाल कीर्तन कीता है। तुहानू गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह तुसीं ताउस देख रहे हैं पिछे स्लाइड ते मोर दी शकल दा जिहड़ा बनिया होया, इस साज नाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब खुद कीर्तन करदे रहे। जिहड़ा तुसीं दिलरुबा देख रहे हैं जिहड़ा ये साज दिलरुबा है, इस साज दे नाल साहबजादे फिर अगे शहीद जिहड़े साडे होए ने जिन्नियां वी अगे तक साडियां मिसलां तक ये साज दिलरुबा जिहड़ा ये मशहूर होया इहदे नाल कीर्तन कीता। ये साज जिहड़ा सरंदा गुरु अर्जन साहब जी ने खुद डिजाइन किया, आप बनाया 13 साल की उम्र दे विच सतगुरु जी ने गोइंदवाल साहब की धरती ते डिजाइन किया, ते इह आप सारी उम्र दरबार साहब श्री दरबार साहब अमृतसर ते श्री दरबार साहब तरन तारण साहब सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी जिहड़ा वो कीर्तन करदे, गुरु नानक साहब जी के नाल आ देख रहे हैं तुसीं रबाब है जिहड़ी वो रबाब गुरु
साहब जी दे नाल उन्होंने सफर दे विच चली कीर्तन होया। एक भी मैनू नगर कीर्तन दिखा दिओ जिथे असी अपने बच्चों नूं कहा कि बच्चो ये साज मुड़ अपने घर च लैके आओ, तुहानूं आजादी का एहसास होवे। रबाब की धुन विचों इनकलाब निकलिया, बंदूक की नाली तो नहीं, असी बंदूक की नाली वरती है वो सब नूं पता है भी कदों वरती है, चमकौर वेले वरती है, जदों अगले अपना घर बार छड के साडे घर आके बहन की कोशिश करते उदों। उस वेले भी असी 8 महीने आनंदपुर साहब पुठा वार नहीं किया, जिन्ने वार आए असी रोके है तो अंदर असी इन्हां साजा नाल ही कीर्तन करते रहे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वेले आनंदपुर साहब हुण जदों असी खुली गलबात करते हैं इस मसले के उपर तो सानू एक बड़ा निमाणी जी कोशिश कह लो, मैं तो इन्हू निमाणी कोशिश कहांगा क्योंकि गुरु की कोशिश के सामने साडियां जिन्नियां भी कोशिशां ने वो सारियां छोटियां। वो जी हुण परंपरा है जी, वो तो जी हुण इन्ने साल की मर्यादा चलती है जी। फिर सब तो खतरनाक सवाल यह किया जाता कि जिहड़ा असी कीर्तन सुनिया इन्ने साल तो की वह गलत है, ये सब तो वड्डा सवाल भाई। ये सानू ना पुछो, ये तो उन्होंने पुछो जिन्होंने सुनाया तो जिहड़े कर रहे आ, साढ़े को यह सवाल का जवाब ही नहीं है कि ये कीर्तन सही सुना, वो तो उन्होंने जिहड़ा सुना रहा उन्होंने पुछो। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिहड़ी मर्यादा कायम की गई है जां गुरु साहिबान ने अपने वेले जिहड़ी मर्यादा कायम करके सानू दस्या वह कित्थे है। मैं एक बार ला फिर बेनती कर दिना अपने प्रोग्राम च, पहले भी मैं चार पार्ट दे विच मैं वार वार बेनती की, अज फिर मैं कर दिना, तुसी दुनिया के सारे साज सीखो, तुसी पियानो सीखो, हार्प सीखो, गिटार सीखो, वायलन सीखो, तुसी सितार सीखो, जो तुहाडा दिल करदा सीखो। पर जदों अगले ने यह सवाल किया कि तू सारे साज बजा लेना तो जिहड़ी गुरु नानक साहब जी ने तैनूं रबाब बख्शिश की है वह कित्थे है, तो जे तो उस वेले तू जवाब दे दे कि भाई वह भी मैं बजा लेना उहदे नाल मैं कीर्तन करदा, फिर तो मन्निया जा सकता भाई अगले ने अपनी विद्या दे विच वाधा किया। पर जे कितें इहदा जवाब यह हो भी उहदा तो मैनूं पता ही नहीं, फिर की साडा उहदे प्रति साडा रवैया होएगा। अंग्रेज ने जदों सारा कुछ इंप्लीमेंट किया, चर्च बना दिती, जिथे इस वेले तुसीं अजायब घर देखते हो इत्थे उन्हें चर्च खड़ी कर दिती है। साडे करम सिंह हिस्टोरियन वो अपनी किताब तवारीख अमृतसर दे विच इह गल लिखदे आ, उन्होंने कली कली तफसील दे विच गल लिखी है किथे रबाबी बैठते सी, रबाबियां दा बुंगा किथे सी, किहड़ी बाई सी, किहड़ी दिशा सी, रबाबी किदां कीर्तन करदे सन, दरबार साहब दे अंदर किहड़ी किहड़ी चौंकी लगती है, किन्ने मिंट की होंदी, किन्ने घड़ियां की होंदी है, दरबार साहब दे अंदर जिहड़े ग्रंथी सिंह सेवा करदे आ उन्हां दी की मर्यादा है, नितनेम की की मर्यादा है, वह सारा कुछ करम सिंह हिस्टोरियन ने इथों तक कि एक एक इट जिहड़ी लगी वह अते जिन्ना सोना महाराजा रणजीत सिंह ने दिता जां जिन्ना 12 मिसलां ने दिता उस सोने की कली कली तफसील दे नाल जानकारी भी दिती है। उन्होंने गल कही कि जदों इत्थे दरबार साहब दे विच जिहड़ा गोरे का प्रकोप वधिया तो उस वेले जिन्ने नेड़े तेड़े सन 60 बुंगे, असीं उन्हां नूं 60 विद्यालय कह सकते हैं, वह उन्होंने तबाह किए पे कि इन्हां दी जिहड़ी विद्यक योग्यता है वह श्री दरबार साहब अमृतसर तो शुरू होती है। गल याद रखियो करम सिंह हिस्टोरियन की किताब तवारीख अमृतसर उहदे विच इह गल लिखी हुई आ कि श्री दरबार साहब अमृतसर केवल आके कीर्तन सुन के घर जाण दा विधान नहीं सी, उत्थे तुसीं अपने बच्चे नूं किहड़ी विद्या देना चाहुंदे आ उहदे बकायदा 60 विद्यालय मौजूद ने, उत्थे अखाड़ा मौजूद है जिहदे विच पहलवान बनाए जांदे, उत्थे आयुर्वैदिक दे वैद तैयार किए जाते, दवाई दारू वास्ते उत्थे दवाखाने वास्ते वैद तैयार किए जाते, उत्थे उच्च पद्धरी
विद्या दिती जाती है धार्मिक की, जिस तरह अस कह दें कि कंपेरेटिव स्टडी जी ग्रंथा की, कि कुरान च की लिखा है, गीता च की लिखा है, बाइबल च की लिखा, वो विद्या पढ़ाई, उन्होंने ज्ञानियों का बोंगा कहा जाता है। उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बाबत विचारवान विद्वान पैदा करने वास्ते एक बोंगा सी, रबाबियां का बोंगा सी, जिथे किसी बच्चे ने कीर्तन सीखना आ तो वह उस बोंगे दे विच कीर्तन सीख सकता। दरबार साहब के घेरे घेरे 60 बोंगे, करम सिंह हिस्टोरियन की किताब तवारीख अमृतसर, गोरे ने सब तो पहला तबाह किया, उस तो बाद वो अपना साज छड़ के गया, जिस साज नूं अज असी छड़न विच इन्ने नाकामयाब हो रहे हैं कि उन्हूं सानू एक मजबूरी बन गई है साड़ी कि असी उन्हूं छड़ नहीं पा रहे। गुनाह नहीं है, मैं वार वार ये गल कह रहा, शायद कुछ लोगों को इदां लगता होगा कि ये खिलाफियत कर रहे, खिलाफियत नहीं कर रहे, गुनाह नहीं है कुछ भी। कुछ इदां दे कीर्तनिए भी साढ़े हुए हैं जिन्होंने हारमोनीयम से कीर्तन किया है, पर उन्होंने कदे गाने की धुन नहीं गाई, उन्होंने हारमोनीयम से कीर्तन किया है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रागों में कीर्तन किया प्रमाण है, क्योंकि मसला सारा है शब्द का। ये साज जेकर तुसी कीर्तन सुनते हो तो मुबारक है, जे नहीं सुनते तो सुनो, इन्हां साजां दे नाल कदे भी शब्द नहीं लुकदा, जो तुसी शब्द पढ़ रहे हैं उहदी साफ ते स्पष्ट समझ आउंदी है कि तुसी किस शब्द का कीर्तन कर रहे हो। उस तों बाद जे तुहाडे च विचार करन दी समर्था है तां तुसी उस शब्द का विचार भी कर सकते हैं। भाई कान सिंह नाभा जी ने अपने गुरमत मारतंड विच ये गल स्पष्ट तौर पर लिखी है कीर्तन कॉलम दे विच कि ये जरूरी है कि सिख संगत दे अंदर गुरबाणी कीर्तन दे नाल नाल शब्द दी विचार भी होवे। हर कीर्तनीए नूं ये चाहीदा है कि वो गुरबाणी दा शब्द पढ़ के उस तों बाद उहदी संखेप व्याख्या संगत विच जरूर दर्शावे। ये गल भाई कान सिंह नाभा जी गुरमत मारतंड च कहिंदे। सो असी गल कर रहे सी साजां बारे, तो यह है गुरु ने जिहड़ी सानूं मर्यादा कायम करके दित्ती, बड़े वड्डी सोच नाल कायम कीती होएगी वो मर्यादा। जे किसी ने सानूं कॉल करनी होवे तां साडा कॉल दा टाइम है साडे कोल 15 मिनट, ते असी कॉल अटेंड कर सकते हैं। जे किसी का सवाल होवे तां जरूर पुछ सकते ने, ते साडियां कॉल्स जिहड़ियां ने वो खुल चुकियां ने, तो असी ओनली 15 मिनट लई होर असी कंटिन्यू करांगे अपना प्रोग्राम। सो असी गल कर रहे सी कि गुरु साहब ने जो भी सानू दिता वो बड़ी वड्डी ते बड़ी लंबी सोच दे नाल दिता, कुछ भी फालतू नहीं है, कुछ भी इदां दा नहीं है जिहड़ा वेस्ट हो सके, क्योंकि इन्ना लंबा समा सिक्खी दे अंदर विचर के सतगुरु जी ने जो सिखां दा म्यार कढ़िया उहदे विच सब तो पहला मेरा जिहड़ा म्यार सी वो सी गुरबाणी कीर्तन। आसा की वार दे कीर्तन की मर्यादा करतारपुर साहब तो शुरू हो जाती है, भाई रजादा जी ते सजादा जी गुरु अंगद साहब जी की हजूरी दे विच, भाई गुरदास जी की वार विच उस दा जिक्र है कि उत्थे करतारपुर साहब दे विच केड़ी मर्यादा कायम सी। फिर बाबा आया करतारपुर भेख उहदा सीस उतार, तो वह उहदे विच सारा जिक्र किया हुआ। उस तों बाद आसा दी वार दा कीर्तन जिहड़ा सी उह सिख दी दा नितनेम सी, क्योंकि आसा की वार तुहाडे अंदरों वहम भरम पखंड तुहाडे अंदरला डर, जिस तरह असीं गल करके हटे हाँ कि स्लाइड शो दे विच तुहाडी शरीरक गुलामी, खाण पीण दी गुलामी, पहरावे दी गुलामी तो तुहानूं आजाद करदा सी, तां रोज जदों सिख आसा की वार दी बाणी पढ़ते सी तां उहनूं रोज याद आउंदा सी कि मेरा गुरु मैनूं की करन लई कह रिहा। वो होया की कि हुण कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा कीर्तनीए जिहड़े वो आसा की वार दा कीर्तन, जिवें साडे कीर्तनीए
जिहड़े तां डेली गुरद्वारा साहिब दे विच आसा की वार दा कीर्तन करदे आ उहनां नूं छड के कीर्तनियां नूं छड के सिख संगत दे विचों बहुत चुनिंदा लोग ने जिन्हां नूं आसा की वार दा पूरा पाठ याद है जां उह आसा की वार रोज़ सुणदे आ तकरीबन साडे विचों इह जिहड़ी चीज़ है लैस हो चुकी ते बाकी नितनेम दे उत्ते साडी बहुत बहस हो गई जिहड़ा नितनेम गुरु कह गया कर लई उस नितनेम दे उत्ते असीं कदी गल नहीं कीती पर जिहड़ा नितनेम असीं बनाया कोई कहिंदा जी पूरा सुंदर गुटका पढ़ दिओ सवेरे कोई कहिंदा इन्नियां तीन बाणियां पढ़नियां कोई कहिंदा दो जिहड़ी मर्यादा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं जिन्ना अधिकार गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने तुहानू तलवंडी साहबो ये जिहड़ी पीड़ है सतगुरु जी की इस सरूप नू कंप्लीट तैयार करके लॉक करके जिहड़ी मर्यादा कायम की सानू पहले नंबर दे उस मर्यादा बारे गल करनी चाहिए जिहड़ियां किसी ने दसना सानू वह बाद विच क्योंकि सिख वास्ते गुरु पहला है बाकी बाद विच ठीक है सुनो विचार चंगे होंदे आ लोगों के सुनने चाहिए आ पर जिहड़े विचार तुहानू बाह फड़ के गुरु तो गाह लै जाण कि छड़ खड़ा गुरु का गुरु भी तो साढ़े वर्गे ही सी गुरु भी तो एक आम बंदा ही सी मैं गुरु नालों ज़्यादा वधिया सोचदा मैं डिजिटल जमाने दे विच पैदा होया मैं चंगा तुहानू दस सकदा असीं उहनां दे मगर नहीं लगणा साडे कोल ऑलरेडी गुरु का संविधान जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के रूप दे विच साडे कोल मौजूद है जे कोई सवाल करना होएगा तो वह असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं करांगे तो जवाब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही दिंदे ने सो गुरबाणी दे कीर्तन का जिहड़ा संबंध है वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे नाल है तो वह बाणी नूं पढ़न का तरीका बाणी नूं पढ़न का जरिया वह बाणी नूं पढ़न की जिहड़े दा प्रोटोकॉल वह जो भी सैट किया सी सतगुरु जी ने उहदे आधार दे उत्ते ही असीं गुरबाणी कीर्तन कर सकते हैं सो जिहड़े जिहड़े इस चीज़ नूं समझदे ने हुण तां काफ़ी संगत दे विच बहुत अवेयरनैस है संगत साढ़े ताईं अप्रोच करदी है साढ़े कोलों स्टूडेंट्स सिख रहे हैं जिन्हां जिन्हां नूं इह गल दी समझ आई है वह आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं बच्चे साढ़े कोलों जिहड़े रबाब सिख रहे आ वड्डी उम्र दे भी साढ़े कोलों सिख रहे आ मैं तां प्राउड फील करदा मैं अपने इस प्रोग्राम दे विच बोलना भी चाहुंदा कि भाई बख्शी सिंह जी उन्हां दा दे बेटे उन्हां दे वाइफ जिहड़े ने वो एंकरिंग करदे थे वह भी ट्राई कर रहे भी रबाब सीख रहे उन्होंने पता है वो समझ रहे इस गल नूं कि किदां हुंदा अज प्रभदीप सिंह होणा दे बच्चे फिर बीबी जसबीर कौर जी जिहड़े ने वह जिहड़े इत्थे साढ़े गैसट दे तौर ते साढ़े कोल बोलदे आ वह किन्ने महीनों तो रबाब की ट्रेनिंग लै रहे सो जिन्हां जिन्हां नूं एहसास है जिन्हां नूं पता है कि मैलोडी की होंदी है जिन्हां नूं पता साउंड दा साडी जिंदगी विच की संबंध है मैं तां एक गल अखीर उत्ते स्पष्ट कर देना चाहुंदा जेकर सानूं इस स्टेज दे उत्तों जां इस चैनल दे माध्यम राहीं सिंगनार टीवी राहीं सानूं इह कहना पै रिहा ना कि लच्चरता ने साडे साडी जवानी दा घाण करके रखता तो याद रखियो वह भी संगीत दे थ्रू ही होया ते जेकर सुधार किया गुरु साहिबान ने ते सतगुरु जी ने वह भी जरिया संगीत ही वर्त हुण यह असी अपनी पीढ़ी नूं अगली नूं दसना है कि असी जिहड़े टुचल जे गायक ने इन्हां दे मगर लग के इन्हां दीआं झूठियां गल्लां झूठे बहकावे हुण तां एक प्रसिद्ध गायक है मैं नाम नहीं लैंदा क्योंकि प्रोग्राम दे विच तां संकोच ही करने दुनिया नूं सब कुछ पता आ वह प्रसिद्ध गायक है बहुत बहुत पैसा कमाया उहदी इंटरव्यू कीती है किसी एंकर ने तां वह लड़की पुछ रही है कि तुसीं क्यों इदां दे कपड़े पाउंदे हो बड़े मतलब तुहानूं चंगा लगता कि इदां दे कपड़े भड़कीले जे ते बूटियां जिहियां पईआं होईआं ते होर ही तरह जिहड़े जिहनूं वेखण नूं दिल नहीं करदा वह भी तुसीं कपड़े पाए होंदे आ वह कहिंदा जी जे असीं इदां दे कपड़े पाउंदे आ सानूं पैसे मिलदे
ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਰਜਾ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰੋਸਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਚਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਰਬਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਰੰਦੇ ਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਰੰਦੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।